मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जो है आज फिर से एक बार भारतीय बाजारों में देखने मिला है। देखिए बंद होते होते करीब 3% के आसपास के गेन जो है वो आपको सेंसेक्स निफ्टी में देखने मिले हैं। बैंक निफ्टी और मिड कैप में 2-2% के आसपास की तेजी जो है वो देखने मिली है। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि आज मंथली एक्सपायरी थी। इस मंथली एक्सपायरी के बावजूद, क्योंकि इनफैक्ट इसके पहले हम 11-12% के आसपास की तेजी ऑलरेडी दिखा चुके थे आज के ट्रेडिंग सेशन के पहले, आज का अगर आप मिला ले तो करीब 14-15% के आसपास हो चुका है। तो इसके लिए मुझे लगा नहीं था कि आज इस तरह की तेजी मार्केट्स में देखने मिलेगी। लेकिन देखिए कल मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट्स में तेजी देखने मिले, क्योंकि देखिए हो क्या, और इस 3 दिन की छुट्टी के पहले आज एक्सपायरी, तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बन रहा था कि शायद आज के दिन इस तरह की तेजी देखने नहीं मिलेगी। थोड़ी मुनाफा वसूली उम्मीद लगा रहे थे लोग कि होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब देखिए अच्छे खासे 3-3% के आसपास के गेंस, शायद मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। हाँ ये बात सही है कि मैंने आपको ये कहा था कि 10,000 तक हम जाएंगे, लेकिन इतने जल्दी जाएंगे ये मुझे नहीं पता था। बहुत जल्दी हम 10,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट 8,900 तो आ ही गए, अब बचा क्या है, 100 पॉइंट के आसपास ही बचा है। लेकिन डेफिनेटली बहुत बेहतरीन रैली आज देखने मिली है मार्केट्स में। हालांकि ये एक होप ड्रिवन रैली है, सच्चाई से अभी भी हम काफ़ी दूर है। क्योंकि सच्चाई अगर इकोनॉमी की अगर आप देखें तो हालात अभी भी ख़राब है, कुछ सुधरा हुआ नहीं है। कोरोना वायरस के ट्रायल्स चल रहे हैं, दवा अभी तक मिली नहीं है, पता नहीं कब तक मिलेगी, कब तक हालात ठीक होंगे, ये सब बातें अभी भी चल रही है। तो फंडामेंटली ऐसा कुछ बदला नहीं है, लेकिन हाँ लिक्विडिटी जो है मार्केट्स में वो लगातार बढ़ते जा रही है। और जैसे कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि लैक ऑफ एवेन्यूज, यानी कि आपके पास बाकी एवेन्यूज में ज़्यादा रिटर्न है नहीं, तो जाहिर सी बात है आप इक्विटी में ही पैसा लगाएंगे। और वैसे ही सिनेरियो यहाँ बिल्टअप होता है दिखाई दे रहा है। उसके अलावा डाउ फ्यूचर्स देखिए करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेजी, हम जब बंद हो रहे थे तभी 110 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो डाउ फ्यूचर्स में देखने मिली थी। रुपया ये लगातार मजबूत हो जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज बाजारों में एक अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिली है। अब आप कहेंगे अगला लक्ष्य क्या है, तो देखिए अभी भी 10,000 क्योंकि मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हालांकि 8,900 तक हम पहुंच चुके हैं, तो कोई बड़ी रैली अब यहाँ से आप बोलोगे कि कुछ बचा क्या है, 150 पॉइंट के आसपास तो बचा है। हाँ 150 पॉइंट के आसपास बचा है, लेकिन ये 150 पॉइंट को अभी निकल जाने दीजिए। अभी भी मेरा जो लक्ष्य है 10,000 के आसपास है निफ्टी के ऊपर। जहाँ तक आप बोलेंगे कि सपोर्ट लेवल क्या होगा, तो सपोर्ट लेवल आप आज का जो लो है निफ्टी का उसको आप सपोर्ट लेके चल सकते हैं, यानी कि 9,730 के आसपास का लो है, तो 9,750 के आसपास जो है वो आप एक सपोर्ट लेके चलिए। 1,000 रुपये, 10,000 के आसपास जो है निफ्टी जाने की दमखम जो है अभी भी रखता है। हालांकि अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि एक्सपायरी के दिन इस तरह की रैली के बाद क्या आगे ये रैली जारी रहेगी। क्यों कंफ्यूज हूँ, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, मुझे नहीं पता कोरोना को लेकर क्या अपडेट आएगा, और 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाकी स्टेट्स किस तरह का डिसीजन लेते हैं कि कहाँ लॉकडाउन पार्शली खोलना चाहिए, कहाँ बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। तो ये सब ओवर द वीकेंड हमारे पास डेवलपमेंट आएंगे, तो शायद अगला लेवल क्या हो इसके ऊपर मैं जो और क्लैरिटी है आपको शायद मंडे को दे पाऊँ। फिलहाल 10,000 जो मेरा लेवल था, आज भी 10,000 के आसपास ही बोल रहा हूँ, और 9,750 जो है वो आपका इमिडिएट सपोर्ट होना चाहिए। गुड डे फॉर इंडियन मार्केट एंड अ वेरी गुड वीक फॉर इंडियन मार्केट, जहाँ 7.5% के आसपास के गेंस जो है वो निफ्टी में देखे गए हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला बन करते हैं, हाँ शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ बताओ, 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल, टेक महिंद्रा, ये आफ्टर मार्केट्स आने वाले, तो इसका असर भी जो है आपको मंडे को देखने मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और है, अब जो छुट्टी वाले दिन है ना वो खत्म, अब बहुत लंबे समय तक छुट्टी नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो ये भी एक ठीक ठाक साइन है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और सुने ना अभिषेक काटिक यस बैंक पे पूछ रही है कि यस बैंक में क्या करना चाहिए। देखिए यस बैंक मेरा प्रिफर्ड बेट बिल्कुल नहीं है, कम से कम मुझे बिल्कुल भी अकाउंट जो है फंडामेंटली पसंद नहीं है, तो शायद मैं इसके ऊपर फंडामेंटली आपको कोई भी राय लेने की सलाह नहीं दूंगा। कुछ ही दिनों में इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, तो अगर उस हिसाब से अगर देखें तो नतीजों के पहले थोड़ी बहुत पोजिशन ले सकते हैं तो ले लेना, लेकिन शॉर्ट टर्म पोजिशन लेना, आपको लॉन्ग टर्म लेने की इस अकाउंट में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और नतीजों के पहले हो सकता है कि दबाव भी देखने मिले होता है, लेकिन नतीजों के 3-4 दिन पहले हो सकता है आपको तेजी देखने मिले, क्यों, क्योंकि बिल्टअप आपको होते हुए नजर आएगी, और उस होप के वजह ये शायद काउंटर चल सकता है। उससे ज़्यादा इस काउंटर में कुछ है नहीं, तो ट्रेडिंग के लिए है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए काउंटर बिल्कुल नहीं है। अच्छा बीईएल और बीईएल और नोसिल पे पूछ रहे हैं। देखिए बीईएल काउंटर ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा काउंटर है, ठीक लगता है। 70 के आसपास काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है, अपने 52-week हाई से तो बहुत दूर है, लो के आसपास है, तो ये काउंटर को ले सकते हैं।
बट थोड़ा रिटर्न अकाउंट आपको देके जा सकता है, इतना तो बोल सकता हूँ। नोसिल, अच्छा नोसिल ये एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि रबर का जो केमिकल है ना वो ये कंपनी बनाती है। हालांकि दिक्कत ये है, देखिए मनोज जी ने सवाल पूछा है कि मनोज जी देखिए ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसने जितना केपेक्स करना था वो सब कर लिया, तो एवरीथिंग इज गुड फॉर दिस कंपनी, बट द प्रॉब्लम इज रबर। रबर यूज होती है टायर में सबसे ज़्यादा, गाड़ियाँ बिक नहीं रही है तो चार टायर लगते हैं और उसका केमिकल यूज़ होगा। तो जब तक ये हालात नहीं सुधरे ना, मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर से थोड़ा दूर रहना है। इतना भी दूर मत लीजिए रहिए कि बिल्कुल इससे दूर ही रहिए, थोड़ा दूर रहिए, थोड़े दिन तक इसका डेवलपमेंट ट्रैक करते रहिए। और ऑटो कंपनीज की तरफ से हालांकि काफ़ी लोगों ने कहा है कि उन लोग ने अपने जो प्रोडक्शन है वो खोला है कुछ हद तक, लेकिन डिमांड कब तक आएगी ये मुझे नहीं पता। गाड़ी आप बेचना कब तक शुरू करोगे ये सब मुझे पता नहीं है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट्स पे नज़र रखिए, जैसे जैसे आपको ऑटो काउंटर्स में अच्छे खासे और भी डेवलपमेंट दिखने मिले, तेज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तेज़ी तो किसी भी वजह से आ सकती है, डेवलपमेंट्स ना देखने मिले तब तक थोड़े दूर रहिए, लेकिन डेवलपमेंट पे नज़र रखिए। वैसे काउंटर मुझे फंडामेंटली अच्छा लगता है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो मैं यहाँ से ना नहीं बोलूंगा लेने के लिए। अच्छा हिंडाल्को पे अनिश धनकर पूछे हैं होल्ड और सेल। देखिए मुझे ये तो नहीं पता कि किस लेवल पे आपने लिया है, एज अ कंपनी मुझे अच्छी लगती है हिंडाल्को, नो प्रॉब्लम, बट एक बात मुझे याद रखिए कि शायद मेटल काउंटर्स पे अभी भी मैं उतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि मेटल काउंटर्स लिक्विडिटी से ज़्यादा इकोनॉमिक आंकड़े पे चलते हैं, इकोनॉमिक आंकड़े भी ठीक नहीं हुए हैं, बहुत गिर चुके थे उसके चलते रैली आ रही है वो बात ठीक है, लेकिन मेटल काउंटर्स में मैं अभी भी बेट लेने से थोड़ा रुकूंगा, वेट फॉर सम टाइम और क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद मेटल काउंटर्स जो है वो शायद आपको अच्छा रिटर्न देते हुए नजर आएंगे, तब मेरे ख्याल से अच्छा आपको इन कंपनी में कमाने का मौका मिलेगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो 130 के आसपास चल रहा है, 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, 150 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। अतुल सिंह जुबिलेंट फूड वर्क का सर, अच्छा जुबिलेंट पे है ना मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, है ना, मुझे रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी। एक तो लोग बोल रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा कि अब जो है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है। देखिए जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, तो एक चीज़ तो हम करते हैं कि भाई चलो यार घर पे अगर घर से काम कर रहे हैं तो पिज़्ज़ा पार्टी हो जाए, कोई ऐसी छोटी मोटी पार्टी हो जाए, ऐसा बहुत होता है। अगर ये कल्चर आगे भी चलेगा तो आपको ऐसे बहुत केसेस देखने मिलेंगे जब पिज़्ज़ा पार्टी आप कर रहे होंगे घर में काम करते करते, छोटी मोटी इस तरह की जो डेवलप इस तरह की जो चीज़ें शायद बहुत होते हुए अगर नजर आए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जुबिलेंट, और वैसे भी देखिए ये कुछ स्ट्रांग ब्रांड्स हैं, अगर आप समझिए कि आज आप लॉकडाउन समझ ही खुल जाता है और आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो पहले एक दो ब्रांड जो आपके नज़र जहन में आते हैं वो है डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, तो जाहिर सी बात है ये वो कंपनियाँ होंगी जो सबसे ज़्यादा फायदे में आएंगी, सबसे पहले फायदे में आएंगी। इसके लिए एज अ कंपनी मुझे कंपनी अच्छी लगती है, नो डाउट अगर लॉकडाउन नहीं खुलता तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन बिजनेस मॉडल जिस हिसाब से चेंज होएंगे ना उस हिसाब से शायद इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजम्पशन भी चेंज होगा। मेरे ख्याल से इस लेवल पे थोड़ा बहुत लीजिए, और नीचे गिरेगा ना तो मेरे ख्याल से इस काउंटर को शायद आपके पास एक्यूमुलेट करने के अच्छे मौके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1600-1700 के आसपास चल रहा है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। बंधन बैंक आकाशदीप दत्ता दत्तारवल पूछ रहे हैं बंधन बैंक में क्या करूँ। बंधन बैंक कठिन सवाल है, जो बंधन RBL ये सब बैंक्स है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ते हैं नो डाउट, लेकिन इन बैंक्स को लेके ना अंदर ही अंदर कुछ कंसर्न्स है जो कि इन बैंक्स को आगे बढ़ने नहीं देता है। प्रॉब्लम ये है, नॉट अ फेवरेट फंडामेंटल बेट, हाँ वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, बट इससे अच्छे बैंक्स आपके पास है, ICICI आपके पास है, HDFC आपके पास है, SBI ले लीजिए, ये कुछ बैंक में अगर पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बंधन बैंक थोड़ा रिस्की बेट है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, 260 के आसपास ट्रेड करें, 250 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, 300 के टारगेट के लिए आप इसको इनिशियली ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं फिर क्या होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कन्विक्शन अभी थोड़ा कम है। IOC टाइटन पर व्यू पूछ रहे हैं सौरभ अकुलवार। देखिए टाइटन तो भैया 47,000 का सोना है, आदमी खरीदने के पहले सोचेगा है ना, 46-47,000 पर, तो सेल्स जो है हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर्स में उतना अच्छा ना रहे इस कंपनी का, हालांकि इन्वेंट्री गेंस इस कंपनी को होंगे ये आपको याद रखना है, वो किस लेवल तक होते हैं ये शायद आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने को मिल सकता है।
आगे जो कमेंट्री आएगी उसमें शायद आपको देखने मिलेगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हैं जैसे कि 2-3 साल 4 साल के हिसाब से, तो टाइटन एक बहुत अच्छा बेट है। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की तरफ देख रहे हैं मेरे ख्याल से, तो आपको रुक जाना चाहिए 2-3 क्वार्टर्स तक, उसके बाद फिर से आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से लेवल जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी लुक्रेटिव है। आईओसी पे पूछ रहे हैं, आईओसी पे व्यू देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी कंपनी ने इनके ऊपर मेरा व्यू कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि मुझे फंडामेंटली कुछ पसंद आते ही नहीं। और आईओसी में सबसे बड़ी बात तो ये कि आईओसी और इनका सब वैल्यूएशन जो आया था वो तो बीपीसीएल का स्टेक सेल है उससे निकल के आया था। अब बीपीसीएल का स्टेक सेल कब होगा पता नहीं है ना, तो उसके लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो नॉट अ प्रिफर्ड बेट। हाँ, बट 84 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगर ये काउंटर 100 के ऊपर निकल जाता है ना, 100 के ऊपर निकलता है तो क्योंकि मुझे नहीं पता है 100 के ऊपर निकल पाएगा कि नहीं, उसके बाद ही शायद मैं बैठ लूंगा, क्योंकि मेरे जहन में मेरे दिमाग में वो लेवल्स है जब ये रिट्रेस करता था हमेशा, 100 से 105 पहला लेवल, 105 से 115 दूसरा लेवल। अगर 100 के पास आता है तो आपको 105 के लिए ट्रेड करना चाहिए, 105 पे आता है तो 115 के लिए ट्रेड कीजिए, ये तो इंपॉर्टेंट लेवल के लिए। इसके अलावा 84 के आसपास रेट करें, फंडामेंटल फंडामेंटल मुझे इसके कुछ खास लगते नहीं है, इसके लिए मैं आपको खरीदारी की सलाह इन लेवल्स पे तो नहीं दूंगा, बाकी फिर देखेंगे। चलिए अब इसी नोट पे आपके सवालों का जो सिलसिला है वहाँ यहाँ ख़त्म करते हैं। 3 दिन की छुट्टी है, एंजॉय कीजिए, लॉकडाउन के देखिए किस तरह के निर्देश निकल के आते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को देखिए कि किस तरह के व्यूज़ वहाँ से निकल के आते हैं, इन सब पे हमारी नज़र होगी। वैसे तो मंडे को 7 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे, ये सब क्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होने वाला है मार्केट में ये सब आपको बताने के लिए, और मंडे को इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से जुड़ेंगे आपके जो बचे कुछ सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।